All right. Assalamualaikum and good evening, everyone. शहर इस्लामाबाद रावल पिंडी के अलावा इस वक्त जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है वहां वहां पर मौजूद तमाम सुनने वालों की समातों तक सलाम के बाद मोहब्बत खलूस और सबसे बढ़कर अमन का पैगाम पहुंचे। उम्मीद उस रब उस खालिक कायनात उस मालिक उस राजिक और उस दाता से कि आप सुनने वाले खैरियत से होंगे, आपके मिजाज अच्छे और मूड्स एकदम आला होंगे। हर बुध और जुमेरात को 8 से 10 आप सभी के साथ मुलाकात होती है। रिजवान बशीर आज के प्रोग्राम के लिए मुझे मौनत फराहम करेंगे और आप तमाम सुनने वालों का बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आपने ITP 92.4 FM इस्लामाबाद को ट्यून किया। प्रोग्राम के आगाज में मामूल से थोड़ा सा ज्यादा वक्त मुझे लगा, जिसके लिए मैं बिल्कुल भी माजरत ख्वाह नहीं हूँ। कुछ टेक्निकलिटीज होती हैं, उनको भी डील करना होता है अलोंग विद डूइंग प्रोग्रामिंग, राइट। आई होप कि एवरीबॉडी सो फाइन और आज का दिन आप सभी के लिए एक अच्छा दिन साबित हुआ। तो आप लोग जहां कहीं पे भी हैं बिल्कुल वहीं पे रहिएगा और आज आपको आवाज से मालूम हो रहा होगा कि मसला थोड़ा सा गंभीर है। हमें लग रहा था कि मौसम पलटा खा चुका है और अभी गर्मियां हैं, लेकिन अभी गर्मियां नहीं है, मौसम इज स्टिल ऑन। तो हम आप तमाम सुनने वालों के साथ आपके सफर में शामिल रहते हैं। आप लोग बहुत ज्यादा एहतियात से ड्राइव कीजिएगा, अपनी गाड़ियों की रफ्तार को इतना रखें कि ये मशीनें आपसे संभल सकें। और अगर खवातीन आपके साथ इस वक्त मोटरसाइकिल पे मौजूद हैं तो हम अक्सर कहा करते हैं कि उनसे कहिएगा कि अपना दुपट्टा और चादर को अच्छी तरह से समेट लें। आई एम सो मच श्योर कि यू हैड फन टुडे और आज के दिन आपने कम अज कम जो भी किया पहले तो आपको बहुत ज्यादा मामूल के मुताबिक लग रहा था। यू नो थिंग्स वर क्वाइट रूटीन, बट लेटर ऑन यू रियलाइज्ड कि अगर आप चीजों को मुख्तलिफ अंदाज में करें सो आपको वो चीजें अच्छी लगने लगती हैं। आज की तारीख में आप सुनने वालों को बता दूं, आज एक मिनट चेक करने दें। ऑलराइट, दिस इज 7 फरवरी 2018। दिस इज वेंसडे, 8:15 टाइम चेक। अपनी घड़ियां टाइम पे कर लें।
अगर कोई बंदा हमारे रेडियो स्टूडियो के बाहर से गुजर रहा है और उसकी जेब में ठंडी गोलियां यानी कि ठंडी टॉफियां मौजूद हैं, बराए मेहरबानी गेट पे किसी को दे दें, सीन बहुत ऑफ चल रहा है। एनीवे, एहतियात से ड्राइव करें। अगर आप लोग सड़क उबूर कर रहे हैं तो सड़क उबूर करने के लिए बेहतर तरीका यह है कि आप पहले दाएं देखें, फिर बाएं देखें, दोबारा से दाएं देखने के बाद अल्लाह का नाम लें और सड़क उबूर करें। आज जितने सारे लोगों की सालगिरह है, आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। जितने सारे लोग दुराने सफर समाप्त फरमा रहे हैं, आप सभी से गुजारिश है कि बहुत ज्यादा एहतियात से ड्राइव कीजिएगा। इसके अलावा आपके एग्जाम्स, टेस्ट, इंटरव्यूज, प्रेजेंटेशंस और असाइनमेंट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिल गई ठंडी ट्रॉफी, मुझे मिल गई है। और इसके अलावा से जितने साल लोगों की शादियां लाइंड अप हैं, बेस्ट विशेस और आप सभी को एडवांस में बहुत बहुत मुबारक। जितने सारे लोगों की तबीयत ठीक नहीं है, गेट वेल सून का पैगाम आप तमाम सुनने वालों के लिए। All right. और जितने सारे लोग ऐसे हैं जो कि हाँ नौकरियों की तलाश में हैं, सो आप सभी के लिए मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आप सभी को एक हलाल जरिए माशता फरमाए। आमीन सुमामीन। ठीक है। सीन ऑन है। सो आपकी तरफ इस वक्त में जो भी सीन चल रहा है, सीन आप लोगों ने ऑन रखना है। आज आप लोगों की लाइव कॉल शामिल रहेंगी। आई एम श्योर कि मेरा गला थोड़े टाइम के बाद सैरल डाउन हो जाता है। आई एम श्योर थिंग सैरल डाउन वन डांस। आप लोगों की लाइव कॉल शामिल रहेंगी। हमारे साथ रابطے का नंबर 0519263184। अगर आप अपने मोबाइल फोन से मैसेजेस करना चाहते हैं तो आप राइट मैसेज के ऑप्शन में जाएं, टाइप करें ITP एक स्पेस अपना नाम, अपनी जगह का नाम और मैसेज लिखने के बाद सेंड कर दें 4471 पे। अगर आप फेसबुक के जरिए से आना चाहते हैं तो हमारा ऑफिशियल फैन पेज मौजूद है जिसका मुकम्मल पता facebook.com/ITPFM और वहां पे आपको मेरे प्रोग्राम के मुतालिक जो पोस्ट नजर आ जाए उसके रिप्लाई में आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। शॉन मेंडेस स्टिचेस। हाँ, कुल मिला के ये हालात हैं। आज आप सुनने वालों से एक लाइन से सवाल पूछूंगा। देखें, मेरे लिए सबसे मुश्किल सवाल ये होता है जिसमें पूछा जाता है कि इसमें से आपका फेवरेट क्या है। यू नो, व्हेन इट कम्स टू कलर्स, व्हेन इट कम्स टू चूजिंग द बेस्ट अमंग्स
मैनी बेस्ट या बहुत ज्यादा बेस्ट, तो उस सिचुएशन में थोड़ा सा मसला हो जाता है। और ये मेरा एक आप कह सकते हैं कि वीक एरिया है। Just like a moth drawn to a flame. Oh, you lured me in, I couldn't sense the pain. Your bitter heart cold to the soul. So we have Adil Mumtaz with us as well. Off the mic मौजूद रहेंगे और I hope के 10 बजे तक हमारे साथ रहते हैं। So सुनने वाले से मैं क्या पूछ रहा था, बल्कि मैं क्या बात कर रहा था कि कभी कभी मुश्किल हो जाता है कि हम बता सकें कि बेस्ट क्या है, हम बता सकें कि एक्चुअली हमारी चॉइस क्या है, हम बहुत सारे ऑप्शंस में से किसका चुनाव करते हैं। एट टाइम्स दिस बिकम्स रियली 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 डिफिकल्ट, लेकिन यू नो आई एम सो क्लियर अबाउट द प्लेस दैट आई वांट टू विजिट एटलीस्ट वंस इन माय लाइफ। और मैं कभी कभी यू नो आई इमेजिन विद माय सेल्फ कि जब मैं अपनी जिंदगी में वहां जाऊंगा तो वहां उस जगह को रियल में देखने के बाद मेरे क्या एक्सप्रेशंस होंगे। ट्रस्ट मी आई विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल माय फीलिंग्स, माय एक्सप्रेशंस, माय एक्साइटमेंट, यू नो। सो व्हाट इज दैट प्लेस एंड स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट प्लेसेस आउटसाइड पाकिस्तान। दुनिया के किसी और मुल्क में कोई एक ऐसी जगह होगी, कोई एक ऐसा शहर होगा, कोई एक ऐसा खास स्पॉट, कोई वेन्यू होगा जिसको आप बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं, जहां पे आप जिंदगी में एटलीस्ट एक दफा जाना चाहते हैं। इन माय केस दैट इज ग्रैंड कैनियन इन एरिजोना स्टेट ऑफ द यूएस। That's the only place outside Pakistan जिसको मैं जिंदगी में कम से कम एक दफा जरूर देखना चाहूंगा, कम से कम एक दफा। मुझे अमेरिका का वीजा नहीं चाहिए, लेकिन अगर अमेरिका का वीजा मुझे मिला, so that will be the only place that I'll be seeing, that I'll be visiting, Grand Canyon। जितने सारे लोग इस जगह से वाकिफ नहीं है, do browse it on Google, do watch videos about it on YouTube. I'm sure you'll fall in love with this place, the beauty that's all so magnificent. Trust me, that place will take you, you know, to some other world. जिस जगह को हम शायद imagine कर सकते हैं, जिस जगह को शायद हम बगैर देखे या शायद सिर्फ सुनने के बाद ही पसंद कर सकते हैं. So it's a place of that kind. So what about you guys? पाकिस्तान से बाहर दुनिया के किसी और मुल्क में कोई एक ऐसी जगह होगी आपके लिए जिसको आप जिंदगी में कम से कम एक दफा देखना चाहते हैं। That could be Las Vegas, right? I believe yes. That could be Scotland in UK. That could be the city Venice. That could be the Grand Wall of China. So, मुल्क से बाहर, पाकिस्तान से बाहर दुनिया के जितने सारे मुल्क हैं उनमें कोई एक ऐसी जगह होगी जिसको आप जिंदगी में कम से कम एक दफा देखना चाहते होंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करता चलूं, जितने सारे लोग मुझे बताएंगे कि मैंने उन पाक मुकद्दस शहरों को देखना है, तो भाई साहब वो सभी के लिए क्लियर है, वो देखना हम सभी का मान करता है, हम सभी की ख्वाहिश है कि हम वहां पे जाएं। सो मैं उन मुकद्दस शहरों के अलावा बात कर रहा हूं। देखें, वो तो अगर हम बात करें
अपने मजहब की, तो उसमें कलमे का, उसमें नमाज का, हज का, जकात का हुक्म है, ठीक है, ये तो बेसिक फंडामेंटल्स हैं ऑफ दिस रिलीजन। सो मैं उनसे हट के बात कर रहा हूँ इन इन सभी जगहों के, और पाकिस्तान के अलावा, पाकिस्तान के अलावा दुनिया के जितने सारे मुल्क हैं, यूएसए, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इनमें कोई एक ऐसी जगह होगी जिसको एक दफा कम से कम विजिट करने का आपका दिल करता है, तो वो केड़ी वाली जगह होगी? थोड़ा सा सोच के आइएगा, थोड़ा सा सोच के आइएगा, और ग्रैंड कैनियन को जरूर आपने सर्च करना है ऑन यूट्यूब, ऑन गूगल एज वेल। इस जगह को भी देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये जगह कैसी लगी। नॉट दिस सॉन्ग, आई डोंट नो, समथिंग इज रॉन्ग विद द हेडफोन्स और समथिंग, आई कैन नॉट फील द रियल थीम ऑफ साउंड्स, द रियल थीम ऑफ साउंड्स ऑफ माय म्यूजिक दैट आई एम प्लेइंग फॉर ऑल ऑफ यू टुनाइट। समथिंग इज रॉन्ग, मे बी समथिंग इज रॉन्ग विद माय हियरिंग, बट समथिंग इज रॉन्ग। अदील मुमताज हमारे साथ हैं और बहुत मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। अदील मुमताज नाम ठीक बता रहा हूँ? ADEEL MUMTAZ, राइट, यानी कि TAZ अदील मुमताज हैं। और बताता चलूं कि एक न्यूज चैनल पे काम करते हैं। आप स्क्रीन के ऊपर आते हैं या आप स्क्रीन के पीछे? स्क्रीन के ऊपर आते हैं, स्क्रीन के ऊपर आते हैं। अदील मुमताज से मैं ये सवाल भी जरूर पूछूंगा कि टेलीविजन के ऊपर लोग इतने प्यारे लगते हैं, तो क्या वो सच में इनकी तरह प्यारे होते हैं या सब मेकअप का कमाल है? सो एनी प्लेस आउटसाइड पाकिस्तान दैट यू वांट टू विजिट एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ, बल्कि बहुत सारे लोग तो बेसाख्ता बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में आके, बहुत ज्यादा उस जगह की मोहब्बत में, उस जगह की अकीदत में गिर के, डूब के ये भी कहने को तैयार होंगे कि मैं जिंदगी में एक दफा उस जगह को देख लूं, उसके बाद बेशक मेरी जिंदगी रुक जाए, जिंदगी मुझसे छिन जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दैट कुड बी सम प्लेसेस दैट यू आर सो मच क्रेजी अबाउट। लेट मी नो। 8:27 टाइम चेक। प्रोग्राम का नाम फन हाई विन। दिस इज योर डीजे HR कमिंग लाइव। We'll be right back.
सो मच कि आप सुनने वाले हमारे साथ हैं. माय नेम इज हनान रामफे एंड माय शो हैपेंस एवरी वेंसडे एंड थर्सडे नाइट. अगर आप लोग अभी कॉल्स करना चाहते हैं हमारे साथ रब्ते का नंबर 0519263184. अगर अपने मोबाइल फोन से आप मैसेजेस करना चाहते हैं तो आप राइट मैसेज के ऑप्शन में जाएं, टाइप करें ITP एक स्पेस अपना नाम अपनी जगह का नाम और मैसेज लिखने के बाद सेंड कर दें 4471 पे. Mexican sky, drink some margaritas by swinging blue lights, listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky, drink some margaritas by swinging blue lights. और जितने सारे लोग फेसबुक के जरिए से आना चाहते हैं तो हमारा ऑफिशियल फैन पेज मौजूद है facebook.com/ITPFM और वहां पे आपको जो पोस्ट नजर आए
मेरे प्रोग्राम के मुतालिक जिसमें लिखा हुआ है HR coming live tonight Wednesday 7th February 2018 from 8 to 10 तो इसके रिप्लाई में आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। आप सुनने वालों से पूछ रहा हूं कि पाकिस्तान से बाहर किसी और मुल्क में, दुनिया के किसी और मुल्क में कोई एक ऐसी खास जगह जिसको आप जिंदगी में कम से कम एक दफा देखना चाहते हैं, और उस जगह को अगर आप थोड़ा सा डिफाइन कर लें कि क्या है उस जगह में, इतनी खास क्यों है। सो दैट विल बी रिलेटिवली बेटर, ठीक है। 0519263184 बैक टू बैक लाइव कॉल ले रहा हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जनाब, क्या हाल है? करम अल्लाह का जी, नाम बताएं। मैं जहूर इस्लाम बोल रहा हूँ सर, इस्लामाबाद से। ठीक है जहूर साहब, ये बताएं पाकिस्तान से बाहर कोई एक ऐसी जगह जिसको एक दफा देखने का दिल करता है आपका। जी बिल्कुल है जी, बताएं। मक्का। देखें, मैंने प्रोग्राम के आगाज में ये बात कर दी थी कि मक्का मदीना तो हम मुसलमानों को, सभी को वो जगह अजीज है, सभी के लिए मुकद्दस है। उनके अलावा कोई जगह बताएं। उनके अलावा सर तो है फिर जो दिल करता है यूके, लंदन। ठीक है, लंदन देखने का आपका दिल करता है? जी। ओके, ठीक है, चलें, जाइएगा कभी लंदन, ठीक है? अच्छा सर, आपकी दुआ होना चाहिए, इंशाल्लाह क्यों नहीं जाएंगे। अच्छा चलें, अच्छी बात है, अपना ख्याल रखिएगा आप, ठीक है सर। कोई गाना प्ले कराओगे कि नहीं? गाना मैं अभी आपके लिए प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। कौन सा सर? मैं अच्छे वाले गाने प्ले कर रहा हूँ। और सर कोई इमरान हक की आवाज में अगर प्ले कर रहे तो मेहरबानी होगी सर। ठीक है, मेहरबानी करता हूँ। Alright, Allah Hafiz, Zaur sahab shamil rahe. To the Mario to play at midnight. Are you with me? Are you with me? 0519263184. आप सुनने वालों से पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क की कोई खास जगह जो कि आपको देखने का दिल करता है, बहुत ज़रा दिल करता है। बराए मेहरबानी मैं दोबारा से क्लियर करता चलूँ, मक्का मदीना हम सभी के लिए मुकद्दस शहर हैं। उनका तो कोई मैच ही नहीं है। मैं उनके बारे में सवाल नहीं पूछ रहा, ठीक है। मैं पाकिस्तान से बाहर कोई और मुल्क, यूरोप में, अमेरिका में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं पे भी कोई ऐसी जगह जिसको कम से कम जिंदगी में एक दफा देखना चाहते हैं आप, व्हाट इज दैट प्लेस मुझे बताइएगा। 0519263184 ये हमारे साथ राबते का नंबर है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी भाई, कैसे हैं? करम अल्लाह का, क्या हालात हैं? नौमान मलिक। हालात अच्छे हैं जी भाई, हालात अच्छे हैं। चले गए घर? वापस आ गए अब तो घर से। अच्छा, घर से वापस आ चुके हैं, कितने दिन गुजारे वहाँ पे? चार दिन सिर्फ। सिर्फ चार दिन इतने लंबे अरसे बाद, तो सिर्फ चार दिन। घर में हालात अच्छे थे? अच्छे हैं, करम। अम्मा जी ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हैं। तो लेके आए फिर अम्मा जी के हाथ की बनी हुई कोई चीज? बिल्कुल लेके आया हूँ, अब सोच रहा हूँ कैसे पहुँचाऊँ आप तक। मैं खुद हाजिर हो जाऊंगा। ये तो हमारे लिए खुश नसीबी है कि आप हाजिर हो गए। नौमान बताएं, पाकिस्तान के अलावा, पाकिस्तान से बाहर दुनिया का कोई एक ऐसा इलाका, कोई एक ऐसा शहर, कोई जगह जिसको कम से कम एक दफा देखना चाहते हैं? बार्सिलोना जाना चाहता हूँ। अच्छा, बार्सिलोना, वहाँ का जो फुटबॉल क्लब है, फुटबॉल क्लब के साथ साथ एक लाइब्रेरी है और काफी बड़ी लाइब्रेरी है। अच्छा ठीक है, काफी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वहाँ पे। अच्छा, बार्सिलोना आप देखना चाहते हैं? जी ठीक है, तो कोशिश की है कभी जाने की वहाँ? कोशिश तो इंसान सारी जिंदगी करता है, जिस चीज की चाह होती है इंसान को, ख्वाब होता है इंसान का, ठीक है, तो कोशिश तो करता हूँ जाने की। वैसे कभी कभी पहुँच भी जाता हूँ ख्वाबों में। अच्छा, तो लाइब्रेरी खोल के, मतलब लाइब्रेरी में जाके कौन सी किताबें खोलेंगे, कौन सी किताबें पढ़ेंगे वहाँ पे? हिस्ट्री की पढ़ूंगा दुनिया की, और जो चीजें यहाँ पे नहीं मिलती, जो किताबें मैं पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, किताबें पढ़ना चाहूंगा। अच्छा, वहाँ पे किताब मिलती है सुल्ताना आपा के टोटके, वो जरूर पढ़िएगा। वो तो यहाँ पे भी मिल जाए? नहीं, वो वहाँ पे जो मिलती है वो स्पेशल आपको मिलती है। चाहिए, मेरे पास है, आपको चाहिए? नहीं, जो वो बार्सिलोना लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, जो शहर में, वैसे उन शहरों में बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज हैं, तो जिस बड़ी लाइब्रेरी का आप जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पे जो किताब मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर घोड़ों की तस्वीर है, ये उसकी निशानी है, ठीक है, घोड़ों का स्टिकर लगा हुआ है। ठीक है, उसमें मेरे पास वही है ना, वही है मेरे पास।
अच्छा आपको चाहिए? बस सही है, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, मुझे अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। करम करम, अल्लाह का करम। आप ट्रैफिक का पैगाम देंगे? जी बिल्कुल, जरूर दूंगा भाई। जो भी ड्राइवर हजरात हैं वो अपनी लेन में रहें, और जो मोटरसाइकिल हजरात हैं वो हेलमेट का प्रॉपर इस्तेमाल करें और एहतियात से ड्राइव करें, और जितने भी ट्रैफिक के असूल और ज़वाबित हैं उनकी पाबंदी। मुझे अच्छा लगा, नुमान सलामत रहें। ठीक है, ऑलराइट, अल्लाह हाफिज। नौमान मलिक हमारे साथ शामिल रहे, आप डी एच ए से शामिल रहते हैं, मुझे अच्छा लगा। सम बैक टू बैक लाइव कॉल्स। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद ताहिर, क्या हालात हैं आपके? अच्छा ताहिर, थोड़ा सा लाउड बोल सकते हैं आप प्लीज? थोड़ा सा मजीद बोलिएगा, हेडफोन लगा के बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैंने उतार दिया। अब ये बात होगी ना, अभी प्योर आवाज, हम नहीं चाहते कि आपके और हमारे बीच में हेडफोन्स आए, माइक्स आए, कोई और चीज आए, आपकी आवाज डायरेक्ट होनी चाहिए और हमारे दिल तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, ये बताएं, प्रोग्राम है आपका, मैं कभी कभी सुनता हूं। अच्छा, मेहरबानी, बताएं, पाकिस्तान से बाहर कोई शहर, कोई जगह, यूरोप, अमेरिका? जी जी, मैंने आपका क्वेश्चन, हाँ, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में कैंगरू, आयरलैंड देखना चाहेंगे? जी जी, डबलिन इज द कैपिटल। हाँ जी बिल्कुल, वही आयरलैंड। अच्छा, तो आयरलैंड आपको, वो तो समंदर के बीच में है ना? हाँ जी। तो जाएंगे किस तरह, समंदरी कश्ती में या जहाज में? नहीं, बाय प्लेन। हाँ जी, जहाज को प्रेफर करूंगा। अच्छा, पानी से मुझे कुछ डर लगता। अच्छा, तो कुछ मालूम है आयरलैंड के बारे में या स्पेशली डबलिन सिटी के बारे में? शहर कैसा शहर है वो? शहर के बारे में तो नहीं, मैंने उनके जो कंट्री साइड है ना, कुछ अच्छा, कुछ मूवीज में और कुछ पिक्चर्स में देखे थे, तो जो ब्यूटी है उसकी वो अट्रैक्ट करती है मुझे। अच्छा, ग्रीनरी जो है वहाँ। अच्छा, और वहाँ के कुछ लोगों की जो बातें हैं वो। अच्छा, वहाँ पे कौन सी जुबान बोली जाती है? मैंने तो मूवीज में ही देखा है। हाँ, मूवीज में तो अंग्रेजी, मूवीज में अंग्रेजी थी और वो वेल्श भी बोलते हैं। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। चले, हमारी दुआएं कि आप एक दफा जाएं और जब वहाँ जाएं तो वापसी पे हमारे लिए चॉकलेट जरूर लेके आएगा। सुना है वहाँ की चॉकलेट बड़ी मशहूर है। बिल्कुल जी, जरूर जरूर। ठीक है, और आप जिंदगी में क्या करते हैं? मेरा डेयरी फार्म है यहाँ पे। हाँ, में। अच्छा, ठीक है ठीक है। मुर्गियाँ मतलब कुकड़ियाँ, गाय भैंसे? नहीं, डेयरी डेयरी। हाँ जी, अच्छा, गाय भैंसे हैं, मुर्गियाँ। ठीक है, सॉरी, मैं माता साहब पोल्ट्री, मेरे ध्यान में पोल्ट्री फार्म आ गया था। अच्छा, तो मुर्गियाँ वगैरह भी पाल लेना आप? नहीं, वो अपने शौक के लिए थोड़ी बहुत रखते हैं। अच्छा, तो खालिस दूध दस्तयाब है आपकी तरफ? हाँ जी है, मैंने अली भाई को पहुंचाने की कोशिश भी की थी, लेकिन आपकी पॉलिसी नहीं है आईटीपी की। ये दूध लेने की? नहीं, कोई भी चीज लेने की। अच्छा, मेरे जहन में, मैंने तो आपसे बात हुई है, मैंने तो जहन में पता नहीं कौन कौन से ख्वाब बुनना शुरू कर दिए थे। दूध आएगा जी, मैं उससे लस्सी और पनीर, और मुझे पता नहीं था, मैंने कोशिश की थी, अली भाई भी इसी तरह बात कर रहे थे, तो मैंने एक दिन कोशिश की वहाँ पे एफ एट वन में ना, तो वो उन्होंने कहा कि नहीं, स्टूडियो के बाहर तक मुझे जाने दिया, लेकिन कुछ चीज लेने से उन्होंने इंकार कर दिया। अच्छा, अली तो वाहिद ऐसे लड़के हैं कि जब हम दुकान जाते हैं तो हमारी पसंद की और बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको नॉर्मली पिया जाता है, लेकिन अली अयाज जो हैं तो वो नॉर्मली डब्बे का दूध एक पैकेट लेके उधर ही गड़गड़ गड़गड़ पी जाते हैं। तो मैं कॉल करूंगा तो जरूर पूछूंगा अली भाई से। चले, एनीवे ताहिर, मुझे अच्छे लगते हैं आप। ठीक है, आप ट्रैफिक का पैगाम दें। ट्रैफिक का पैगाम यही है कि डाइवर्शन प्लान्स जहाँ पे भी होते हैं वहाँ पे संभल तहम्मुल के साथ काम लिया जाए। तो ये जो लोग कोशिश करते हैं कि जल्दी से बस थोड़ी सी जगह है, मैं इसमें किसी तरह से अंदर घुस जाऊँ, ये नहीं करना चाहिए। चलें, अच्छी बात, सलामत रहता है। ठीक है, थैंक यू, ऑलराइट, नो प्रॉब्लम, अल्लाह हाफिज। ताहिर हमारे साथ शामिल रहे। लाइव कॉल्स में ले रहा हूँ 845 टाइम चेक। माय नेम इज हनान राफे। हेलो जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं जुनेद मलिक बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। हाँ जुनेद, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, करम मालिका, आप बताएं, आप खैरियत से हैं? करम करम। तो आप ये बताएं कौन सी जगह है पाकिस्तान के अलावा, पाकिस्तान से बाहर, जो एक दफा देखना चाहेंगे? मैं पेरिस की एक शाहरा है शांज़ेलीज़े, वो हाय 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 हाय, उसके बारे में मैंने अपनी शायरी भी लिखी है, एक किताब है मेरी, तो वो फिर किताब पूरी शांज़ेलीज़े पे आपने? हाँ, मैंने इसके ऊपर पूरी किताब लिखी है। आहा, लेकिन एक सफ़े पे मबनी है ना वो, असल में सफ़े कम पड़ गए थे, एक ही सफ़े की किताब है, जिल्द उसकी थोड़ी भारी है।
तो शेर मैंने उसके ऊपर बहुत सारे लिखे हैं और बहुत मशहूर हुई थी मेरी वो किताब। अच्छा, गुब्बारा फट गया उसका टाइटल था, गुब्बारा फट गया, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि यूरोप में और स्पेशली फ्रांस में बहुत ज्यादा उसको पजीराई हासिल हुई। एनीवे बताएं, पेरिस की जिस शाहरा का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या खास बात है? खास बात तो ये है कि वहाँ गाड़ी ड्राइव करना चाहता हूँ 120 से ज्यादा स्पीड पे। अच्छा ठीक है, तो वहाँ वहाँ रोड की स्पीड लिमिट्स क्या है, ये मालूम किया थोड़ा? हाँ बिल्कुल मालूम है, वहाँ 60 है और 60 से अबव नहीं जा सकते। अच्छा, तो इसका मतलब आपका कम से कम ये ख्वाब तो पूरा नहीं हो सकता ना? एक इंसान का ख्वाब पूरा हो चुका है, कर्नल कदाफी लीबिया के जो थे उनके बेटे का। अच्छा, तो मैं भी यही करना चाह रहा हूँ कि ये ख्वाब अच्छा। मेरा पूरा हो जाए। चलें, जब जाइएगा तो पीछे डिग्गी में मुझे भी साथ बिठाएगा, ठीक है? अरे साथ बैठिएगा, आप साथ ही होंगे, डिग्गी में क्या बैठेंगे आप? अच्छा लगा। चले, मेरी दुआ कि आप जाएं, अगर इस रफ्तार के साथ आपको वहाँ पे गाड़ी दौड़ाने का चांस मिले दैट्स गुड, और अगर ना भी तो भी उस शहर को देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा। स्पेशली वहाँ पे आईफल टावर इज अ प्लेस दैट इज सो मैग्निफिसेंट, उसको भी जरूर देखिएगा आप। जरूर। सलामत रहें, अच्छे लगते हैं आप, ठीक है? बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। सो हाँ, आई एम लविंग इट कि लोग जानते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी जगह देखनी है जिंदगी में कम से कम एक दफा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ाफ़रान अली कराची से, माजरत ननेवी गाय। अली मेरे कानों के साथ कोई रोला नहीं है, असल में हेडफोन्स का थोड़ा मसला है आज, उसकी वजह से। हाँ, मेन वजह ये है। अली बताएं, कराची पहुंच गए आप? अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गया मैं। तो मैंने आपको कहा था साहिल समंदर पे एक ऊंट का बच्चा था हमारे टाइम में, अब तो खैर बहुत बड़ा हो गया होगा, उसकी मूंछें भी निकल आई होंगी, उससे कभी मुलाकात हुई? मैंने आपको पहले बताया था, बिल्कुल हुई, लेकिन ये नहीं पता कि वही है आप वाला या कोई और है, उसका भाई है। नहीं, उसकी गर्दन पे बड़े बड़े बाल थे, ये वही वाला ऊंट था? हाँ बिल्कुल, बाल थे उसके। अच्छा, बाल थे, और उसकी चाल जो थी वो हिरनी की तरह थी, ऐसा ही है? अच्छा, ऊंट की नहीं, फिर आपने कोई परदेसी ऊंट देख लिया, वो पराया है, हमारा नहीं है, ठीक है? हाँ, उसकी जो झील सी गहरी आंखें थी वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, घनी जुल्फे थी काली घटाओं की तरह, और वो काजल आंखों में काजल, वो एक्चुअली ऊंटनी थी, तो वो आंखों में काजल लगा के फिरती थी साहिल समंदर पे। अच्छा हाँ, और उसका नाम था चंपा। अच्छा, चले मैं जो ना इसके हवाले से जो ना तलाश करूंगा कि हाँ, अगर वो है तो आपको अनान हाँ, भाई मुझे बताइएगा। मालूम नहीं है, कहीं ऐसा ना हो किसी ईद पे उसको कुर्बान कर दिया गया हो, या बड़ी हो गई हो तो शादी उसकी करा दी गई हो, या सऊदी अरब भिजवा दिया गया हो रेसों के लिए, माजरत ख्वाह दुबई। एनीवे, तो बताएं, व्हाट इज दैट प्लेस दैट यू वुड लव टू विजिट एट लीस्ट वंस इन योर लाइफ आउटसाइड पाकिस्तान? पाकिस्तान में जो नॉर्दर्न एरियाज। हाँ, पाकिस्तान से बाहर? पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान बाहर मुझे इंग्लैंड बहुत पसंद है। इंग्लैंड एज अ होल, मतलब आपको पूरा इंग्लैंड पसंद है? एग्जैक्टली, एंड स्पेशली उनकी जो स्टेट है स्कॉटिश, ठीक है? स्कॉटलैंड मुझे, ओह माय गुडनेस, स्कॉटलैंड की तरह आई डोंट थिंक कि दुनिया में कोई और जगह होगी। आई कैन नॉट टेल यू कि कितना खूबसूरत है वो। हाँ, तो वो मेरे है कि मुझे वहाँ जाना चाहिए, मुझे जगह देखनी चाहिए। आई थिंक दैट्स वर्थ विजिटिंग प्लेस। आई थिंक, या एग्जैक्टली, मैं खुद वहाँ पे काफी टाइम रहा और मैं चिकन शवरमा बेचा करता था वहाँ पे। अच्छा। हाँ, उधर गफूरे वाला एक पुल होता है, गफूरे वाला, तो उसके साथ ही मैंने रेडी लगाई होती थी, तो बाद में वो मुझे वहां से निकाल दिया गया। उन्होंने कहा भाई, जो जिन मुर्गियों का तुम गोश्त इसमें डालते हो तो वो मुर्गियां जो हैं तो वो अच्छी नहीं है, मतलब देसी मुर्गियां थी, वो हमें फॉर्मी मुर्गियां चाहिए वो कह रहे थे, तो मेरे पास देसी मुर्गियां थी तो उन्होंने मुझे वहां पे टिकने नहीं दिया। और जो ना मेरा भी इरादा है कि वहां पे जो है चट्टी कबाब की दुकान डाल लूं। अच्छा। चलेगी, बहुत चलेगी, बहुत चलेगी है। हाँ, वो भी जो ना गोरे भी खाएंगे, वो भी कहेंगे ये क्या चीज है, वो जो ना यकीनन वो लोग बड़ा पसंद करेंगे इसको। अच्छा, मैं अंग्रेजी की फिल्में बहुत देखता हूँ, और
मेरी हमेशा कोशिश रही है कि किसी भी अंग्रेजी की फिल्म में खाना खाते वक्त का जो सीन होता है उसमें मैं देखूं कि भाई कहीं ये चपाती तोड़ के नवाला बना के तो नहीं खा रहे, लेकिन मैंने आज तक कोई ऐसा सीन नहीं देखा कि उसमें वो चपाती तोड़ के उसका नवाला बना के और करके मुंह में डालते हों। एग्जैक्टली, मतलब वही चम्मच कांटे वही चीजें, मैं हैरान हूँ ये लोग जिंदा कैसे, शायद यही वजह है चम्मच कांटा इस्तेमाल करके ये चीजें खा के इनका रंग शायद बहुत चिट्टा है, ये वजह हो सकती है। हम तो कांटे से खाते हैं, वो कांटा हमारे हलक में फंस जाता है। एग्जैक्टली अली, मुझे अच्छे लगते हैं आप, और शहर कराची को मेरा सलाम दीजिएगा, मेरा बचपन वहाँ पे रहता है। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। और आनंद जी अलावा मेरे एक बड़े अच्छे करीबी फ्रेंड है, वो आपका शौकुन है, मेरी पर्सन को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम अली, सलामत रहे, ट्रैफिक का पैगाम दें। ट्रैफिक मैसेज यही देना चाहूंगा कि रूल एंड रेगुलेशन का ख्याल करें, और जहां तक हो सके अपने जितने भी वार्डन हजरात हैं उनके साथ तावन का मुजाहरा कीजिए। ठीक है, सलामत रहें, और पीछे आपको घरेलू किस्म की आवाजें सुनने को मिल रही हैं, हमें भी मिल रही हैं, अच्छा लगा हमें। ठीक है, कराची में भी बच्चे इसी तरह रोते हैं। एक्चुअली मैं जरा गली में खड़ा हूँ, स्ट्रीट जरा टेरेस पे ना, तो इससे गली से आवाजें आ रही हैं। सलामत रहें, अच्छे लगते हैं, वरना यहाँ पे कोई फैमिली वाला माहौल नहीं है। एनीवे अली, सलामत रहें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। अली रजा हमारे साथ कराची से शामिल रहे। अदील, देखें ये लोगों की मोहब्बत होती है, अब कराची में है और पाकिस्तान नेवी के जवान हैं, वहाँ पे मुलाजमत करते हैं, बल्कि वहाँ पे अपना फर्ज निभाते हैं, बेहतर ये लफ्ज होगा, और वक्त निकाल के सुनते हैं। बड़ापन, बहुत बड़ापन। मैं आप लोगों के मैसेजेस शामिल कर रहा हूँ, 4471 टेक्सटिंग आईडी है। अगर आप अपने मोबाइल फोन से मैसेजेस करना चाहते हैं तो आप राइट मैसेज के ऑप्शन में जाएं, टाइप करें ITP, एक स्पेस अपना नाम, अपनी जगह का नाम, और मैसेज लिखने के बाद सेंड कर दें 4471 पे। अगर आप फेसबुक के जरिए से आना चाहते हैं, facebook.com/ITPFM, ठीक है, facebook.com/ITPFM। पाकिस्तान से बाहर कोई शहर, कोई जगह जिसको जिंदगी में कम से कम एक दफा देखना चाहते हैं, व्हाट इज दैट प्लेस? जिस तरह से मैंने प्रोग्राम के आगाज में जिक्र किया ग्रैंड कैनियन का, विच इज इन द एरिजोना स्टेट ऑफ द US, उसको अगर आप नेट के ऊपर देख सकते हैं, या आई विश आई हैव समवन ऑन कॉल जिन्होंने ग्रैंड कैनियन को देखा हो एटलीस्ट वंस इन लाइफ, सो वो बंदा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है, दैट विल बी ग्रेट इनफ। सो लाइव कॉल्स हो गई, मैसेज शामिल कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, एक मिनट। जैनी कह रही हैं कि मेरी कॉल पिक कर लें। ठीक है जैनी, आप कॉल कीजिएगा, मैं आपकी कॉल पिक कर लेता हूँ, लेकिन अगले सेशन में 4471 राइट मैसेज के ऑप्शन में जाएं, टाइप करें ITP, एक स्पेस अपना नाम, अपनी जगह का नाम, और मैसेज लिखने के बाद सेंड कर दें 4471 पे। द पोइट ऑफ नेचर, आई वुड लव टू सी द प्लेस जहां पे वो पैदा हुए थे ओरिजिनली, जहां से उनका ताल्लुक था, सो दैट इज डेफिनेटली इन इंग्लैंड, सो इवन दैट इज अ प्लेस वर्थ टू बी सीन एंड विजिटेड एटलीस्ट वंस इन लाइफ। facebook.com/ITPFM। सहारा डेजर्ट कैन बी अ बेटर प्लेस एज वेल, ठीक है। जैनब जैनी, सलाम, वेलकम टू द शो, शुक्र है आप आई गए, वेट बहुत करवाते हैं, सलाम टू ऑल। कोमल आबासी, क्यों आते हो? ओ ठीक है, असल में दरवाजा खुला मिलता है तो मैं आ जाता हूँ, ठीक है। सरदार जवाद वेलकम कहते हैं, गुड इवनिंग कहते हैं, तारीफ करते हैं, आजाद कश्मीर से आप हैं। वी हैव अली रजा, सलाम हनान भाई, खैरियत दरियाफ करते हैं, अल्लाह का करम। इफ़त बतूल हमारे साथ हैं, सलाम वेलकम हनान भाई। गेट वेल सून, आज वॉइस डाउन है बट फिर भी शो ग्रेट है, बिकॉज ये हनान राफे द लेजेंडरी का शो है, राइट?
All right, thank you. मुझे अफ्रीका जाने का बहुत शौक है. आई लाइक मिस्टीरियस अफ्रीका. स्टे ब्लेस्ड हनान भाई. यस 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 अफ्रीका एज अ होल एक अच्छी जगह है. बहुत सारे मुल्कों पे मुश्तमिल है और स्पेशली जितने सारे लोग वाइल्ड लाइफ को देखने का करीब से देखने का इरादा रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं दिल में, सो उनके लिए बहुत अच्छी जगह है. यू शुड विजिट राइट. वी हैव सागर दीन मोहम्मद बलोच, थैंक यू सो मच शामिल रहे. हाफिज मोहम्मद वकास हैं, आपने लिखा जी, ठीक है. आसिफ अली हमारे साथ हैं, हाय भाई कैसे हैं. आसिफ लैया, आसिफ लैया आपने लिखा है. एनीवे कमिंग अप नेक्स्ट इज दिस सॉन्ग. दिस इज अ गुड वन. This is a golden one by Haroon. Gori is the title. I'm sure you guys love this one. दुनिया में जितने सारे गाने बने हैं, उनमें से ज्यादातर गाने गोरियों पे और गोरों पे लिखे गए हैं, गोरों पे गाए गए हैं. अब हमारी तरह के जो थोड़े से धीमे रंग के, मध्यम रंग के लोग हैं, उनके ऊपर आज तक कोई गाना नहीं लिखा गया. सांवले की बात आती है, हम कहते हैं सांवला, तो वो कहते नहीं, आप सांवला की कैटेगरी से थोड़ा सा नीचे लाए करते हैं. कंफ्यूजन. गोरिये सुन गोरिये तनकी हो आए, गोरिये गोरिये सुन गोरिये तनकी हो आए, गोरिये हसे तेरे दिल बिच गमदे तेरे नच के बसावे पावे फेरे आए ना सोना नेड़े चढ़दी जवानी किस कम तेरे देखे चार चेरे तकले गोरिये नखरे वाली चोरिये खिच दिल दी गोरिये ओ गोरिये सुन गोरिये तनकी हो आए गोरिये गोरिये सुन गोरिये तनकी हो आए गोरिये नचले गोरिये राज के नचले गोरिये आवे गानाओ छोरिये ओ गोरिये सुन गोरिये तनकी हो आए गोरिये गोरिये सुन गोरिये तनकी हो आए गोरिये सो मच. क्या आप सुनने वाले हमारे साथ हैं. माय नेम इज हनान राफी
and my show happens every Wednesday and Thursday night. अली हैदर की पूरी सिंगिंग एक तरफ और ये गाना दूसरी तरफ, पल्ला भारी हो जाएगा भाई इस गाने की वजह से. इट्स सच अ हिट सॉन्ग कि जितना ज्यादा फेमस ये पाकिस्तान में हुआ, शायद उससे कई गुना ज्यादा ये हमारे पड़ोसी मुल्क में हुआ. यू नो देयर यूज्ड टू बी दैट याहू चैट रूम थिंग बैक इन टाइम. और उस टाइम में मैं याहू चैट बहुत ज्यादा किया करता था. उसमें ग्रुप्स होते थे, या ग्रुप्स ही कहते थे मेरे ख्याल से, मैं भूल रहा हूँ, ग्रुप्स होते थे नहीं, चैट रूम्स होते थे. ऑलराइट, सो वहां पे अक्सर जो पड़ोसी मुल्क के लोग होते थे तो पाकिस्तानी गाने गा रहे होते थे मोस्ट ऑफ द टाइम. और स्पेशली इस गाने को बहुत ज्यादा वो गा रहे होते थे, पूरे उस पेज को या ग्रुप को या जो मैंने नाम लिया था रूम को सुना रहे होते थे. सो एंड प्लस नॉट ओनली इन पॉप म्यूजिक बट इन ड्रामा इंडस्ट्री एज वेल. Pakistan has got no match. It is so matchless. Back to back live calls. Aduka mausam chala bhul bhari nahi dil mera kaha meri jeans aur guitar. Aur aap sunne walon se pooch raha hu ki Pakistan se bahar koi shahar, kisi mulk ka, koi ilaka, koi dekhne layak jagah, koi pahadi silsila, something in the world outside Pakistan that you love to visit at least once in your life, that you dream for, right? आप सोचते हैं कि भाई किसी तरह से पैसे जोड़ के, किसी तरह से आप टाइम मशीन में बैठ जाएं. टाइम मशीन तो खैर वक्त से आगे और पीछे जाने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन चलें किसी जहाज में बैठ जाएं, लोकल देसी किस्म के जहाज में बैठ जाएं, और वो आप आंखें खोलें और आपको वहां पहुंचा दें जहां आप जिंदगी में एक दफा होना चाहते हैं. व्हाट इज दैट प्लेस, राइट? 0519263184. हेलो, वालेकुम अस्सलाम. जैनी थोड़ा सा लाउड बोलिएगा. नहीं, थोड़ा सा मजीद लाउड. जैनी आप लाउड बोलें और आराम, मधम नहीं, मतलब अल्फाज को आराम से बोलें. हाँ, ये ठीक है, ये बहुत अच्छा है. जैनी बताएं, पाकिस्तान से बाहर कौन सी जगह देखना चाहती हैं, कौन सा शहर? पेरिस और दुबई आप देखना चाहती हैं. द बेस्ट थिंग अबाउट दुबई इज के दुबई में पैसा बहुत है और वहां पे बड़ी बड़ी आला किस्म की गाड़ियां हैं, बहुत महंगी किस्म की हैं, और वाफिर मिकदार में हैं, वाफिर तादाद में हैं. अच्छा, तो दुबई देखने का क्यों आपको शौक है और पेरिस क्यों देखना चाहती हैं? परफ्यूम्स की वजह से, आईफल टावर की वजह से? अच्छा, ठीक है. अच्छा, हम देसी जुबान में जब परफ्यूम्स का जिक्र करते हैं तो हमें दुकान वाले कहते हैं, भाई दुबई वाले परफ्यूम में और पेरिस वाले परफ्यूम में मेन फर्क ये होता है कि दुबई वाले परफ्यूम जो होते हैं वो थोड़े टाइम के बाद उड़ जाते हैं, लेकिन पेरिस के परफ्यूम जो हैं वो उड़ते नहीं है, वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं. ऐसे ही है? अच्छा, ठीक है. नहीं तो बर्फ जो फ्रीजर का आप अगर दरवाजा खोलें तो साइडों पे जो उसकी वॉल्स होती हैं, दीवारों पे भी बर्फ होती है, जमी होती है. हाँ, वो भी आप अपनी उंगलियों की मदद से, वो पाउडरी जो आइस होती है उसको आप हाथ में उठा के खा भी सकती हैं. हम बचपन में भी ऐसा करते थे. अच्छा, ठीक है. और दुबई इस वजह से कि वहाँ पे शॉपिंग के लिए बड़े बड़े मॉल्स हैं, ये वजह है? अच्छा, चलें ठीक है. जैनी आप ट्रैफिक का पैगाम भी दें. ठीक है. एनीवे, जैनी अच्छा लगा. ठीक है, नो प्रॉब्लम, अल्लाह हाफिज. जैनी हमारे साथ शामिल रही और लंदन में एक म्यूजियम है जहाँ पे मोमी मुजस्मे रखे गए हैं बहुत बड़े बड़े लोगों के, बड़े बड़े यू नो म्यूजिक आइकॉन्स के, पब्लिक फिगर्स के, आर्टिस्ट्स के, एक्टर्स एक्ट्रेसेस के, सिंगर्स के, तो वो भी देखने लायक एक जगह है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम रुखसार, क्या हालात हैं? ठीक है, ठीक ठाक. आप कैसे हैं?
करम अल्लाह का, करम अल्लाह का, करम अल्लाह का, करम अल्लाह का, बहुत अच्छा कहते हैं। रुखसार ये बताएं, पाकिस्तान से बाहर जाने का चांस मिले और दुनिया दुनिया में कोई एक ऐसी जगह है जिसको देखना चाहते हैं? मैं शुरू में तो मुझे भी अच्छा लगता है, तो वैसे एक मुझे हंसी आ रही थी, सारे कहते हैं मेरी अमीन इंडिया रही हुई है ना, ठीक है, दुश्मनों के शहर भी जाके देखें कैसा शहर है। अच्छा, आपने ताजमहल को बहुत बड़ा और बहुत देखा होगा? नहीं, हाँ वो तो देखा, टीवी में देखा हो, वैसे वैसे उसी की वजह से मेरा दिल करता है इंडिया जाने को। अच्छा, वैसे अगर हम बात करें ना हकूमती सतह पे या इवन इंफरादी तौर पे भी, तो हमारे मुल्क ने कभी दुश्मनी नहीं चाहिए, हम तो हमेशा सबसे पहले अल्लाह ताला पड़ोसियों के हकूक पूछेंगे। जी हाँ, जी तो हम कहेंगे हमारे तो पड़ोसी इतने पैड़े थे, हमसे तो सलाम भी नहीं करते थे। हमारी दुआ है कि हमारे जितने पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हमारे बने। सिर्फ हुकूमत ऐसे करती है ना, तो जिस वक्त दोस्ती या सहेली और इंडिया की चाहे हिंदू ही क्यों ना हो इतना अच्छा मिलती है जिस तरह मुसलमान है। ठीक है, ठीक है, यकीन जाने वो बहुत अच्छा मिलती है, दोस्त अपनी दोस्ती का हक अदा करते हैं और पड़ोसी रह होने का हक अदा करते हैं। और अल्लाह ना करे कोई बात होती है तो कहते हैं नहीं हमें नहीं लड़ना चाहिए, हमें एक होके रहना चाहिए, बातें होती हैं। मेरी खाला थी ना, अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो इंडिया की थी, ठीक है, तो वो हमें बताती थी, कहती हैं वो तरसती हैं हम पाकिस्तान आए। ठीक है, ठीक है, तो मेरा भी अब दिल करता है, मैंने कहा दुश्मनों का शहर तो नहीं कहना चाहिए, चलो दोस्त पड़ोसी मुल्क का शहर भी देखना चाहिए। हाँ, ये बेहतर रहेगा। एनीवे, स्विस कैनाल के बारे में कभी आपने सुना? हाँ, आपसे ये भी सुन रही हूँ तो फिर और देख लूंगी। हाँ, देखिएगा वहाँ पे बड़े बड़े जहाज जो है उसमें से गुजर जाते हैं। अच्छा? और उसको बाकायदा, हाँ उसको खोदा गया था। अच्छा? दो समुद्रों को आपस में मिलाया गया। So, वो उस जगह को भी आप तलाश करें गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, आपको अच्छा लगेगा। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। रुखसार, आप जब भी गई ना जहाँ भी गई, मेरे लिए वहाँ से आपने बगैर कीड़ों वाले अमरूद लेके आने, ठीक है, जिसमें कीड़े ना, पता है अमरूद इधर से लेके दूंगी कीड़ों के बगैर। नहीं, मैं समझा कि अमरूद यहाँ से लेके देंगी, कीड़े वहाँ से डाल के ले आएंगी उनमें। सर, अच्छा लगता है बात करना, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और यकीन जाने अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को जो मान रखे, हमारे पाकिस्तान जैसा कोई भी नहीं मुल्क। और नहीं कहते चलो चले पापा हम अपने पाकिस्तान में, और देखिए पाकिस्तान की मट्टी खींच के लाती है। हाँ, ये बात तो है, लेकिन पाकिस्तान पे तो पाकिस्तान में तो हम हैं, पाकिस्तान की किसी भी जगह किसी भी इलाके को हम देख सकते हैं आसानी से। तो वो इस वजह से बात जगह है जहाँ पे लिमिटेशन, जहाँ पे बाउंड्रीज हैं, वीजा रिक्वायरमेंट है, मुश्किल से वीजा लगता है, दूर है, खर्चा बहुत होता है, तो उन जगहों के लिए हम सिर्फ सोच सकते हैं। सही बात है। और मैं नईम भाई के लिए और सुबाहत के लिए ढेरों दुआएं सलाम, आपके लिए खुसूसी दुआ सलाम मेरे अपने प्यारे से भाई के लिए, और सेरा जल्दी से बांधी, सेरा लेके मैं आवांगी। सही है, ठीक है रुखसार, अच्छा लगा। और आपकी फैमिली के लिए ढेर दुआएं सलाम, ट्रैफिक मैसेज देखे जाएंगे, फासला रखे, घर चले, स्ट्रीट चल के मोबाइल यूज ना करें, दिल आजारी मत करो, दिलों में खुदा बसता है, माँ बाप की इज्जत करो, अल्लाह आपकी इज्जत करता है, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज। रुखसार हमारे साथ शामिल रही, मुझे बहुत अच्छा लगा। 0519263184 ये हमारे साथ राब्ते का नंबर है, बैक टू बैक लाइव कॉल ले रहा हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके वाले जी, ओ राजा जी। की हाल है, की हाल है जी? और तुसी किते चले जादे हो? ओ मैं आज सोच रहा था कि मैं आपसे पूछूंगा कौन सी जगह, तो आपने मुझे जरूर चीचा वतनी बताना है कि मैं चीचा वतनी देखना चाहता। चीचा वतनी पाकिस्तान में भाई, छांगा मांगा भी पाकिस्तान में है, गफूर वाला भी पाकिस्तान में है। नहीं, मैं अफ्रीका जाना चाहता हूँ। अफ्रीका जाना चाहते हैं, वहाँ पे किन से मिलेंगे? वहाँ से बच्चों को देखूंगा, उनके कहते हैं पैदा होते हैं पता नहीं, दांत चिट्टे होते हैं, कोई कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं कहता हूँ ये जितनी कंपनीज हैं, टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनीज हैं, उनको अफ्रीका में जाके अपनी मशहूरी करनी चाहिए। बिल्कुल, मतलब वहाँ पे बच्चों के मुंह खुलते हैं, वो ऐसे चमकीले दांत, मैं हैरान होता हूँ इतने चिट्टे दांत किस तरह से है इनके। सही है। नहीं, मैं सर्च करना चाहता हूँ कि काले होते हैं ये चिट्टे होते हैं, मैं ये देखना चाहता हूँ, कोई कहते हैं काले होते हैं, कोई कहते हैं चिट्टे होते हैं। ठीक है, तो आप ही चले ना मेरे साथ। मैं जाना तो चाहूंगा जी, लेकिन मैंने सुना है अफ्रीका में मच्छर बड़े खतरनाक किस्म के होते हैं और बहुत जोर से काटते हैं। नहीं, हमें तो मच्छरदानियां लेके जाएंगे ना। हाँ, ये भी है वैसे, अच्छी बात है। सो अफ्रीका देखना चाहेंगे जी? अच्छा,
ठीक है, अच्छी बात। अकेला नहीं। तो वहाँ पे जंगली जानवर भी बहुत हैं, हाथी, गेंडे हैं, वहाँ पे शेर हैं, चीते देखेंगे। अच्छा कौन है जी, हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अच्छा हम कौन सा जंगल में जाएंगे? अच्छा अभी, अच्छा अभी जस्ट इमेजिन करें कि हम अफ्रीका में कहीं पे घूम फिर रहे हैं और सामने से एक टाइगर आ जाए, हैं? अब टाइगर ने कहना है कि भाई मैंने एक बंदे को तो खाना है, तो हम हैं, मतलब आप हैं, मैं हूं, और शेर कहे कि भाई आपस में खुद ही फैसला कर लो, टाइगर कहे कि कौन होगा वो, सो आप क्या क्या फैसला करेंगे? नहीं, हम उनको कहेंगे जी हम आपके यहाँ मेहमान आए हुए हैं, मेहरबानी करें, हम भी मेहमानदार हैं। नहीं नहीं, लेकिन लेकिन अगर टाइगर कहे कि एक को खाना है, मैंने टाइगर कहे एक को खाना है, हाँ आप दोनों में से एक को खाना है, आप खुद फैसला करें कि कौन मेरा आज लुकमा बनना चाहेगा। एक आप होंगे, एक मैं होंगे। हाँ तो आप क्या फैसला करेंगे? जी हम दोनों हम आगे पीछे हो जाएंगे ना, हम उसको कहेंगे कि और पकड़ ले यार, कोई मोटा ताजा, हम तो सही है सही है, अच्छा लगा मुझे, अच्छा लगा। आप जाइएगा अफ्रीका, ठीक है, और वहाँ पे धूप बहुत पड़ती है, धूप बहुत पड़ती है, तो अच्छा होगा कि सर के ऊपर कोई चादर रख के, मैं बक्स अब लाग लेके जाऊंगा ना, सर के ऊपर बक्स रख लिया करूंगा। हाँ ये भी ठीक है, अच्छी बात है। आप ट्रैफिक का पैगाम दें। ट्रैफिक का पैगाम यही है कि डबल हेलमेट लाजमी है, और रात को डिम लाइटें जलाया करें, जब खुद जलाते हैं ना तो बढ़िया बातें आ गई। हाँ लो बीम पे, लो बीम पे लाइट्स ऑन रखा करें, लाइट जलाया करें, तो और खैरियत है ना सारी? बस खैरियत है, अल्लाह का करम। जी बताएं। और जी राजा साहब, आपको तो अफ्रीका में एक दफा होना चाहिए ताकि आपका दिमाग जो है ना वो इसी तरह से चलता रहा है और मजीद मजीद निखार रहा है उसमें। वालेकुम अस्सलाम, करम अल्लाह का। साले हाँ जी। क्या हालात है साले, आपकी तरफ से आवाज बहुत कम है। एक मिनट। हाँ हाँ, एक सर्वे से ये बात साबित हुई है कि जितने सारे लोग हेडफोन लगा के बात करते हैं तो उनकी तरफ से आवाज में या तो तूफानी आवाजें आती हैं पीछे, या बच्चों की आवाजें आती हैं, या ट्रैक्टर चलने की आवाजें आती हैं, तो आज ये साबित हुआ। ये वैसे इतनी कॉमन सी बात पे सर्वे किसने किया? ये मैंने किया था, मेरे पास कोई टॉपिक नहीं था, मैंने इसके ऊपर कर लिया। अच्छा anyway, सालिया बताएं कौन सी जगह देखना चाहेंगे पाकिस्तान से बाहर, जिसको देखने का क्रेज है, बाय बाय, यू जस्ट डाइंग फॉर दैट प्लेस। टर्की और इंडिया। ऑलराइट, टर्की देखना चाहेंगे और भारत देखना चाहेंगे, ठीक है। टर्की में स्पेशली क्या, इस्तांबुल सिटी, अंकारा सिटी, विच सिटी, पूरा टर्की देखना चाहेंगे? पूरा टर्की और इसकी मॉस्क, वाइट मॉस्क, और आई हैव रेड लॉट ऑफ स्टफ अबाउट दैट कंट्री, सो आई जस्ट वांट टू गो देयर। ओके, और टर्की के बारे में कहा जाता है कि इट्स हाफ इन यूरोप, स्पेशली इस्तांबुल इज हाफ इन यूरोप एंड हाफ इन एशिया, ऐसा है? होगा, अब तो जाऊंगी तो पता चलेगा। हाँ। मैंने नॉवेल्स में इसके बारे में बहुत पढ़ा है। अच्छी बात, अच्छी बात। तो और भारत में? भारत में मैं अपने मुल्क और वहाँ के कल्चर को मैं देखना चाहूंगी, कंपैरिजन करना चाहेंगे। अच्छा चलें, अच्छी बात, अच्छी बात, आप जाइएगा, ठीक है। I wish कि आप जाएं, और जितनी सारी ख्वाहिशात होती हैं, स्पेशली यू नो रिगार्डिंग विजिट्स, रिगार्डिंग ट्रिप्स, यू नो, सो मैं हमेशा इस मामले में मेरी कोशिश रहती है कि मेरे पास इतने पैसे हो जाएं, किसी तरह से ख्वाब में देखता हूं कि इतने पैसे हों कि मुझे टेंशन ना हो कि भाई टिकट कितना है, पूरे मुल्क के गिर्द एक चक्कर घुमा के, चक्कर मार के मैं आ जाऊं और मुझे पैसों की टेंशन ना रहे। सो आई विश के सेम थिंग हैपेंस इन योर केस एज वेल, ठीक है। एक बात क्या, मैं इसका अगर पैसे नहीं है कोई बात नहीं, आप पाकिस्तान में अगर ठीक है, अगर हम अफोर्ड नहीं कर सकते पाकिस्तान की सारी अच्छी जगह विजिट करनी चाहिए, तो मैं आपको कहूँगी आप जरूर कश्मीर जरूर विजिट करिए। ठीक है, बन गई है ना आखिर में नानी सालिया, मुझे अच्छा लगा सालिया, अच्छा लगा, ठीक है। ओके ऑलराइट, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सालिया, हमारे साथ शामिल रही। रावलपिंडी से आप आती हैं, लाइव कॉल। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जवेरिया नवीद, क्या हो गया, आपकी आवाज भी और मेरी आवाज भी? जवेरिया, मेरा दिल कर रहा है मैं आपकी नकल उतारूं। मेरी आवाज बड़ी खराब है, इस तरह बोले जरा, रोने वाली आवाज प्लीज।
पहले इतनी मुश्किल से कॉल मिली है। अच्छा नहीं, आप वैसे रोती हैं और रोते वक्त में अगर आप बोलना चाहें तो किस तरह बोलती हैं? मतलब वो अक्सर लोगों से ना, हाँ बोले बोले बोले, जरा कोशिश करें। मैं रोते भी नहीं बोलती। आपने हेडफोन लगाए? जी। अच्छा कैंडी हेडफोन हटा दें। अभी बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। तो बताएं कौन सी जगह देखना चाहेंगे पाकिस्तान से बाहर? इंग्लैंड और मक्का। ऑलराइट ऑलराइट, ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा ये बताएं, मक्का मुकरमा हम अच्छी तरह वाकिफ हैं, हम सभी देखना चाहते हैं, हम सभी वहां पे होना चाहते हैं, उस मुकद्दस जगह को छूना चाहते हैं, वहां की खुशबू लेना चाहते हैं। इंग्लैंड के बारे में बताएं, इंग्लैंड आपको अच्छा क्यों लगता है? मैंने उसके बारे में बहुत देखा है, मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखे। ठीक है ठीक है ठीक है। और इंग्लैंड के बारे में ये भी कहा जाता है कि वहाँ पे छोटे से छोटा बच्चा फरफर अंग्रेजी बोलता है, इतने लाइक हैं वो लोग। ऐसा ही है जी। तो क्या हुआ, यहाँ पाकिस्तान में छोटे से छोटा बच्चा फरफर उर्दू बोल लेते हैं, वो उर्दू नहीं बोल सकते। हाँ, ये ठीक है, अच्छी बात की, टेक्निकल बात की है। वैसे आपने मुझे अच्छा लगा जवेरिया, अच्छा लगा, ठीक है। Alright, no problem. Javeria Naveed हमारे साथ शामिल रही। 4471 texting ID है। अगर आप अपने मोबाइल फोन से मैसेजेस करना चाहते हैं तो आप राइट मैसेज के ऑप्शन में जाएं, टाइप करें ITP, एक स्पेस अपना नाम, अपनी जगह का नाम, और मैसेज लिखने के बाद सेंड कर दें 4471 पे। फेसबुक के जरिए से आना चाहते हैं तो facebook.com/ITPFM। ठीक है, लाइव कॉल का आज चस्का मुझे चढ़ गया है और लोग अच्छी अच्छी जगहों के मुझे नाम बता रहे हैं, सो एक मजीद लाइव कॉल ले रहा हूँ। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, रूही जी? बिल्कुल रूही। आप वही हैं जो मेकअप करती हैं? नहीं, जो मेकअप की क्लासेस लेने का इरादा रखती हैं? सीख रही हैं जो। सीख, जबरदस्त, क्या क्या सीखा है आपने? मतलब धोखा देने का जो ये एक फन है, ये आर्ट है, इसमें आपने पहला सबक सीखा तो क्या सीखा? मैंने पहला सबक सीखा किस मामले में आप पूछ रहे हैं, धोखा देने में? हाँ, मतलब ये धोखा ही है ना, खवातीन गई, अंदर गई, बाहर निकली, समझ नहीं आ रही कि क्या है। मतलब एकदम एकदम बदल जाती हैं खवातीन, तो ये धोखा नहीं है तो क्या है? ना, ये धोखा नहीं है, ये आर्ट है एक। अच्छा, तो वो सीखते हैं हम भी। और अभी तक मैंने सीखा है कि आईब्रो, अपर लिप, ठीक है, और एक दो कटिंग सीखनी है। ठीक है, कटिंग सीख ली है। ओके ओके। हाँ, एक होती है स्टेप वाली कटिंग। हाँ जी, होती है। अच्छा, हाँ ये भी सही है। ठीक है ठीक है। काजल लगाने का तरीका सीख लिया आपने? हाँ, वो वैसे ही लगाना आता है, लेकिन टेक्निकली अभी सीखना है, वो भी रहता है। ठीक है। अच्छा, मैंने ये बात देखी है कि लड़कों के मामले में एड़ियां जो है वो उतनी अहम नहीं है। मतलब हमारी एड़ियां बहुत गंदी होंगी, बहुत रफ होंगी, भाई प्रॉब्लम ही नहीं है, है? अब हमारा कहना होता है कि एड़ियां अभी मैंने 3 महीने पहले तो धोई हैं, लेकिन खवातीन के मामले में जो है एड़ियां बहुत अहम है, और एड़ियों का खास तौर पे बहुत ज्यादा मेकअप। दूसरा, इसके अलावा ये है, ये नाखून बनाने का जो एक तरीका होता है, मतलब सुबह से शुरू हो जाएंगी, नाखून बना रही होंगी, सो इवन दैट्स अ फन थिंग। या हर चीज जरूरी है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, सफाई तो सबके लिए जरूरी है। तो हाथों और पाओं की सफाई, आप कितने सफाई पसंद है वो दिखाता है। हाँ जी ठीक है, ये बताएं। हाँ जी, हाँ अच्छा बताएं कौन सी जगह देखना चाहेंगी? मैं सच्ची बताऊँ तो वैसे मुझे पहले शौक था देखने का लंदन। ठीक है ठीक है, लेकिन अब जो है ना मुझे शौक हो गया लंदन के अलावा, जो है ना शौक हो गया कोमो, इटली देखने का। ठीक है, इटली जाने वहां से होके आई है, तो उन्होंने इतनी तारीफ की उस जगह की, इतनी तारीफ की है कि मेरा दिल ललचा गया है, मेरा दिल करता है मैं उड़ के पहुंच जाऊँ। अच्छा, मेरा खुद वैसे इटली में कारोबार है, ये जो भेड़े नहीं होती, मैं उनकी जो ऊपर जो बाल होते हैं ना वो मैं उतारता हूँ, उस तरह मेरे पास है मशीनें हैं, तो वो उतार के फिर उनसे मैं रुई बना के फिर उनको मैं तकियों में और यू नो रजाइयों वगैरह में डाल के, तो ये कारोबार मेरा है इटली में। सही है, सही
मेहरबानी मेहरबानी. सो मुझे अच्छा लगा, आई विश कि आप जाएं, ठीक है, लंदन भी घूमें, इटली भी जाएं. सो अच्छी जगह है और इंसान को देखना चाहिए, दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहिए. बिल्कुल, उम्मीद भी है, अल्लाह करे कि हो जाए, क्योंकि इटली में अब्बू हैं इस वक्त और लंदन में भाई हैं, ठीक है, चांस बन सकता है. अच्छा, बस दुआ कीजिएगा. चलें चलें. अच्छा, अब्बा जी से कहिएगा, इंग्लैंड उधर इटली में ना हमारे टेलीविजन का रिमोट खराब हो गया है, तो मैंने सुना है कि उसके अच्छे रिमोट जो है वो इटली में मिलते हैं, तो वो भी एक भिजवा दीजिएगा. बड़ा बड़ा सा टीवी है, नाम और मॉडल बता दीजिए. नहीं, उसका वो बड़ा सा टीवी है, ब्लैक सा, नीचे बटन भी हैं और उसमें एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी चलती है और रिमोट बड़ा सा है, और नीचे हमने स्क्वाश टेप से उसको जोड़ा हुआ था, वो जो सलों वाला जो ढक्कन होता है ना वो टूट गया था, तो ये उसकी निशानी है. ठीक है, और उसके बटन जो है तो वो मेरे भांजा भांजी चक्के मार मार के उसके बटन भी खा गए, ये निशानी है. इस तरह का रिमोट चाहिए इटली से. सही है, अच्छा लगा मुझे. रूही सलामत रहें, ठीक है. ट्रैफिक मैसेज लेना. हाँ, मैं समझा, आप दे चुकी हैं, दें जरूर. ट्रैफिक मैसेज यही दूंगी कि बाइक यूजर्स हेलमेट का इस्तेमाल अलग से किया करें, और जो लोग रोड क्रॉस कर रहे हो प्लीज वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग के जरिए रोड क्रॉस किया करें. ऑलराइट, गुड इनफ, गुड इनफ, सलामत रहें. थैंक यू सो मच. नो प्रॉब्लम, अच्छा लगा आपसे बात. मुझे भी अच्छा लगा. सलामत रहें. सलामत रहें आप भी, और अल्लाह आपको खुश रखे. आमीन. आमीन. अल्लाह हाफिज. रूही हमारे साथ शामिल रही, इटली और लंदन देखना चाहती हैं लाइव. गुड इनफ, गुड इनफ. नाउ वी हैव योर मैसेजेस 4471 टेक्सटिंग आईडी है. अगर आप अपने मोबाइल फोन से मैसेजेस करना चाहते हैं तो आप राइट मैसेज के ऑप्शन में जाएं, टाइप करें ITP, एक स्पेस, अपना नाम, अपनी जगह का नाम, और मैसेज लिखने के बाद सेंड कर दें 4471 पे. लेकिन अदील मुमताज हैं, अदील मुमताज से मैं पूछना भूल गया, उनसे मैं भी पूछ लेता हूं. अच्छा, अदील मुमताज हैं और उनको बचपन से ही, मतलब मैंने उनको बताया कि आपने ये जगह बतानी है, उनको खुद जहन में नहीं आ रहा था, तो बचपन से देखने की ख्वाहिश है कि वो कम से कम जिंदगी में एक दफा जरूर जाएं और दीवारें चीन को देखें. बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छी जगह. मैं कभी कभी हैरान होता हूँ भाई, उस दीवार को बनाने में कितनी ईंटें लगी होंगी. मैंने सुना है कि मतलब दिस कुड बी अ मैथ एज वेल, मे बी इट्स नॉट ट्रू, लेकिन बहुत सारे लोग शायद ये कहते हैं कि इसको आप स्पेस से देख सकते हैं या चांद से देख सकते हैं. दो आई हैव नॉट बीन टू मून एंड आई हैव नेवर बीन यू नो ऑन टू एनी स्पेस मिशन, सो मैं इसको ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता. वैसे इसको हम नेट के जरिए से कर सकते हैं, लेकिन एक कहा जाता है, महावरतन भी कहा जाता है, कि इतनी बड़ी दीवार है कि इसको आप बहुत ऊंचाई से भी देख सकते हैं. इमरान चित्राली हमारे साथ हैं, F81 से आपने शेर लिखा है. लाला कैसे हैं आपको, ठीक है. मोहम्मद वसीम अब्बासी हमारे साथ हैं नगरी तोतियाल से, क्या हाल है, शो बहुत नाइस है और रेगुलरली मुझे सुनते हैं, बहुत शौक से सुनते हैं और वेलकम कह रहे हैं कि मुझे वेलकम कर दें. ठीक है, मैंने कर दिया आपको वेलकम, मुझे अच्छा लगा. सलाम ब्रो. इमरान अब्बासी हमारे साथ हैं सूर कहूटा से, खैरियत दरियाफ़ करते हैं. मेरा फ्रेंड खाकान मुझसे नाराज़ है, मेरे मैसेज का आंसर नहीं देता, उससे बोलना कि ठीक है, सही है, अच्छा है, हो गया, मुझे अच्छा लगा. जैनी, आई वॉज डन विद योर मैसेज. facebook.com/ITPFM ये हमारा ऑफिशियल फैन पेज है.
यहाँ पे एच आर कमिंग लाइव टुनाइट वेंसडे 7th February 2018 फ्रॉम 8 to 10 आपको लिखा हुआ नजर आए तो उसके रिप्लाई में आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है? facebook.com/ITPFM Yes, we have your comments. हाफिज एम वकास साहब का हो गया था, वही दबासी हमारे साथ हैं। और आप कहते हैं कि अली भाई ने आज तक मिठाई नहीं खिलाई और आप कुवैत देखना चाहते हैं, कुवैत राइट, क्योंकि वहां आई डोंट नो आपने कोई लिखा है मुझे समझ नहीं आई, लेकिन आप कुवैत देखना चाहते हैं। अच्छा, 3 साल वहां पे आप रहे हैं। मीर रमजान बलोच हमारे साथ हैं, सलाम हनान रो सुपर, यानी कि शो सुपर है, वॉइस सुपर है, कोई गाने की आप फरमाइश कर रहे हैं। जीशान अली हमारे साथ हैं, हनान भाई खरीद दरियाफ करते हैं और शो की तारीफ कर रहे हैं। नाउ कमिंग अप नेक्स्ट इज दिस सॉन्ग, इट्स अ मेलोडियस वन, इट्स नॉट अ मेलोडियस वन, इट्स अ कलरफुल वन। It is an evergreen किस्म का song. Straight away comes from one of the Pakistani movies. इस movie का नाम अब मेरे जहन में नहीं है, अगर मैं नेट के ऊपर अभी सर्च कर लूँ मुझे मालूम हो जाएगा, और मुझे पता है बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं वो नेट के ऊपर सर्च करके बता रहे होते हैं, रियल में उनको भी पता नहीं होता। सो ये गाना है, कल सब देखा मैंने चांद झरोके में, दिस इज बाय वारिस बेग इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है? इट्स अ गुड सॉन्ग, इसको सुनिएगा। And it's gonna make your memories alive, make them refreshed again. क्योंकि I still remember when I used to be a child, you know, when I used to be too young. So उस वक्त में हमारे टीवी चैनल पे जो हमारा हकूमती हमारा कौमी असासा भी है, जिसको हम BTV कहते हैं, ठीक है, जिसने बहुत लंबा अरसा पहले से रेडियो पाकिस्तान के साथ इस मुल्क की खिदमत की है। So उस पे जब गाने लगते थे और खास तौर पे फिल्में लगती थी, स्पेशली एक सैटरडे नाइट को लगती थी और इसके अलावा फ्राइडे को लगती थी दिन के टाइम में। सो उस टाइम में नॉर्मली पुरानी मूवीज होती थी और सैटरडे को अंग्रेजी की फिल्म भी होती थी और पाकिस्तानी फिल्में भी हो सकती थी एट टाइम्स। सो ये उस वक्त का गाना है, इट्स अ गुड सॉन्ग, इट्स अ गुड सॉन्ग, आई एम श्योर यू गाइस लव दिस सॉन्ग। कल शब देखा मैंने चांद रोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे रोके में, कल शब देखा मैंने चांद रोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में, रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में, रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में, चूमा कोई गुलाब तुम्हारे रोके में, हो कल शब देखा चांद रोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में, रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में, चूमा कोई गुलाब तुम्हारे धोखे में, हो कल जब देखा मैंने चांद रोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। जगमग जिल मिलती
सांसों की गर्मी, मस्त हवा में शामिल थी। ओ तारों की जगमग झिलमिल थी, प्यार की पहली मंजिल थी। ओ तेरे मेरे सांसों की गर्मी, मस्त हवा में शामिल थी। धीरे धीरे तू जो मेरे अंग लगी, छुप गई किरने कहीं घटा के पर्दे में। ओ कल शब देखा मैंने चांद रोखे में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे ने। कतरा कतरा शबनम सारी रात बही, महक बदन की गोली सबा के झोंके में। हो कल शब देखा मैंने चांद रोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। रात को देखा था जो मैंने सोते में, रात को देखा था जो मैंने सोते में, चूमा कोई गुलाब तुम्हारे धोखे में। हो कल शब देखा मैंने चांद रोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। हे हे आहा हे हे ला 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 ला। Well, this song reminded me of an old movie, पाकिस्तानी मूवी यानी कि लॉलीवुड मूवी। उसमें एक बला थी, अब पता नहीं उस बला का नाम पामीला था या उसमें नीली थी, नीली का नाम पामीला था। कुछ ऐसा ही सीन था, एनीवे, थैंक यू सो मच कि आप सुनने वाले हमारे साथ हैं। माय नेम इज हन्नान राफे एंड माय शो हैपन्स एवरी वेंसडे एंड थर्सडे नाइट। ठीक है, नौशीन शेख के बारे में मैंने कहा था, जो कि चिट चैट शो करती हैं विद नौशीन के नाम से। कि उनको उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मेरे एक शो पे आए और एक कंबाइंड शो करते हैं। सो आई होप शी कम्स, नॉट टुनाइट बिकॉज आज का शो तो नहीं, मतलब नहीं आ सकी। सो आई होप कि कल, अगर कल नहीं तो अगले वीक वो टाइम निकाल के आए। आई एम श्योर यू गाइज विल लव दैट वन। ठीक है नौशीन, अगर आप सुन रही हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि टाइम निकालें, टाइम निकालें। मुझे मालूम है कि खवातीन के बहुत सारे काम होते हैं। बहुत सारी खवातीन ऐसी भी होती हैं अनलाइक नौशीन कि पूरा दिन कुछ भी नहीं करती, लेकिन रात के टाइम कहती हैं आज तो बहुत थक गई। ये खुद एक आर्ट है, कुछ ना करने के बावजूद बहुत ज्यादा थक जाना।
अगर आप लोग कॉल्स करना चाहते हैं 0519263184 ये हमारे साथ रابطے का नंबर है। अगर आप अपने मोबाइल फोन से मैसेजेस करना चाहते हैं तो आप राइट मैसेज के ऑप्शन में जाएं, टाइप करें ITP एक स्पेस अपना नाम, अपनी जगह का नाम और मैसेज लिखने के बाद सेंड कर दें 4471 पे। अगर फेसबुक के जरिए से आना चाहते हैं तो आ जाए ना facebook.com/ITPFM ये हमारा ऑफिशियल फैन पेज है। आपसे मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान से बाहर कोई एक ऐसी जगह होगी जिसको कम से कम जिंदगी में एक दफा देखना चाहते हैं, ठीक है? और जितने सारे लोगों ने ग्रैंड कैनियन को सर्च कर लिए, ब्राउज कर लिए ऑन यूट्यूब, ऑन गूगल, सो आई एम श्योर कि आपको अच्छा लगा होगा। रेडियो का वॉल्यूम बंद कर दें जो कोई भी है। भाई साहब वालेकुम असलम, कौन बात कर रहे हैं? रेडियो को वॉल्यूम बंद कर दें। जी मैं इनायत खान बोल रहा हूँ पेंडी से। ठीक है इनायत, क्या करते हैं आप जिंदगी में? ठीक है ठीक हूँ शुक्र है अल्लाह का। अच्छा इनायत बताएं कि कौन सी जगह देखना चाहते हैं, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ 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 कोई जगह है जिसको आप एक दफा देखना चाहते हैं? मैं सऊदी अरब। सऊदी अरब के अलावा भी बताएं, सऊदी अरब के अलावा भी बताएं मुझे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देखना चाहते हैं? ऑस्ट्रेलिया में कैंगरू भी होते हैं और उनके पेट के ऊपर, उनके पेट के ऊपर एक जेब होती है, जेब में उनके बच्चे होते हैं। अच्छा। हाँ, और वो छलांगे मारते हैं और अक्सर गाड़ियों को, लोगों को बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं, गाड़ियों को खराब कर देते हैं, लोगों को जख्मी भी कर देते हैं। अच्छा ठीक है। और खाना हो गया आपकी तरफ? आपने खाना खा लिया? आज खाने में क्या था? खाने में हमने आज कह लिया क्या नाम है, दाल माच कह लिए और कबाब कह लिए। अच्छा चलें अच्छी बात है। आप कहाँ से हैं, ओरिजिनली कहाँ से हैं, किस जगह से? ताल दीर का है, जिला दीर। अच्छा आप दीर के हैं, तो रावलपिंडी में आप काम वगैरह करते हैं? ये हमारा दर्जी की दुकान है अपना, शुक्र है अल्लाह का दर्जी का काम कर रहा हूं। अच्छा ठीक है ठीक है। तो आप खवातीन के कपड़े सीते हैं या जेंट्स के? दोनों करते हैं शुक्र है अल्लाह का, दो भाई हम दोनों करते हैं। अच्छा तो सिंगल सिलाई आजकल क्या रेट चल रहा है आपकी तरफ? सिंगल सिलाई इधर चलते 600 रुपए। अच्छा और हमारी तरह के जो रेडियो के लोग हैं जो कम तनख्वाह लेते हैं और कम तनख्वाह पे गुजारा करते हैं, उनके लिए कोई डिस्काउंट है स्पेशल? बिल्कुल है। चले इस तरह कर लें, मेरी मेरी कमीज में से आप जेबें हटा दें, मैंने जेबें कोई नहीं डालनी क्योंकि पैसे होते नहीं है तो जेब डालने का फायदा क्या। तो अगर जेबों के बगैर मैं आपसे कमीज सिलवाऊं तो फिर कितना होगा सिंगल सिलाई? 600 से कितना कम हो जाएगा? आपसे 500 लेंगे हम। 500 थोड़ा मजीद गुजारा कर लेना, देखे रेडियो वाले हैं गुजारा कर लें, टीवी वाले नहीं, हम रेडियो वाले हैं। ठीक है और एक पुश्तो का गाना लगा दो। नहीं 400 में हो जाएगा? 400 में कर देंगे आप जो है। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ। ठीक है आपके लिए मैं गाने भी प्ले कर रहा हूँ। भाई साहब मुझे अच्छा लगा। बैक टू बैक लाइव कॉल्स, बैक टू बैक। हेलो वालेकुम असलम, थोड़ा सा लाउड बोलिएगा और थोड़ा सा आराम आराम से धीरे धीरे से बोलिएगा ना। आवाज बहुत बहुत कट रही है। यू हैव गॉट वीक रिसेप्शन, आपकी तरफ वीक रिसेप्शन है। अब सही है? हाँ अभी सही है। नाहिद है? नाहिद बात कर रही हूँ। नाहिद कैसी हैं आप? ठीक है? मैं ठीक है। करम अल्लाह का। थोड़ा सा मजीद लाउड बोलिएगा। सही है। मुझे लग रहा है शादी के बाद घर के काम बढ़ गए हैं आपके, सफाई सुथराई, बर्तन मांजना, झाड़ू, सब कुछ बढ़ गया? नहीं, वो तो पहले भी करती थी। ठीक है अच्छी बात। मियाँ जी खुश हैं? मियाँ जी के साथ खुश हैं आप? हाँ बिल्कुल अल्लाह का शुक्र। चलें अच्छी बात, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। बहुत ख्याल रखते हैं आपका? हाँ बिल्कुल। अच्छा आप ये बताएं, सच सच बताएं, आपके मियाँ जो हैं वो शादी से पहले जितनी तनख्वाह या चले जो भी वो पैसा कमाते थे महीने का, तो वो पैसा किस किस तरह खर्च करते थे? अम्मा जी को दे देते थे या खुद ही जेब में रखते थे और खर्च करते थे? और अभी किस तरह करते हैं? नहीं जेब में ही रखते थे क्योंकि घर के बाद अम्मा जी को नहीं, वो पहले डेथ हो चुकी है तो बस घर में हम दो ही लोग हैं और कोई भी नहीं है। अच्छा चलो ठीक है। ये बताएं पाकिस्तान से बाहर कौन सी जगह देखना चाहती हैं? मैं कश्मीर को पूरी तरह देखना चाहती हूँ। कश्मीर को पूरी तरह देखना चाहती हैं? ठीक है। जम्मू कश्मीर, आप ऑक्युपाइड कश्मीर की बात कर रही हैं? हाँ
कश्मीर। अच्छा आजाद कश्मीर तो चले हमारा अपना हो गया ना, अब पाकिस्तान से बाहर जाएं, पाकिस्तान से बाहर जाएं, पाकिस्तान से अगर बाहर जाओ तो छोड़िए, देखना चाहती हूँ बल्कि तो कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा अगर कभी आप चाइना चली गई और चाइना में आप खड़ी हैं चाइना चौक में, सुबह से शाम तक खड़ी हैं वहां पे, नहीं तो आपको सुबह से शाम तक वहां से गुजरने वाले सारे लोग एक तरह नहीं दिखेंगे, सब एक तरह के हैं ना। मैं सलाम पेश करता हूं उन माओं को, चाइनीज माओं को, कि वो सुबह स्कूल के बाहर, मतलब दोपहर के टाइम स्कूल के बाहर खड़ी होके अपने बच्चों को पहचान किस तरह लेती हैं, सारे एक तरह के। हाँ बिल्कुल ये तो है, सब देखने में एक जैसे होते हैं। लेकिन माँ फिर भी अपने बच्चे को पहचान जाती है, नहीं वो सबसे पहचान होती है ना, क्योंकि इस टाइम अगर एक परिंदा है तो उसी जैसे हजारों परिंदे होते हैं, उनके बच्चे होते हैं। लेकिन नहीं, बहुत इमोशनल कर दिया, बहुत इमोशनल कर दिया आपने, मुझे अच्छा लगा। आप ट्रैफिक का पैगाम भी दें, ट्रैफिक सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें और बाकी अल्लाह ताला आपको हमेशा मुझे अच्छा लगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। नाहिद हमारे साथ शामिल रही, आजाद कश्मीर से आती हैं। आखिरी सेशन है, एक और लाइव कॉल ले रहा हूँ, उसके बाद मैं मैसेजेस और कमेंट्स पर रील फंस गई, पढ़ने के बाद मैं वाइंड अप करूंगा। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? शुमाइला मेरी बहन, कैसी हैं आप? ठीक हैं शुमाइला? आज हेडफोन में मसला है, माजरत खाऊं, मैं आवाजें नहीं पहचान रहा आसानी से। कोई बात नहीं। अच्छा बहन बताएं, घर में सब ठीक है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे? करम अल्लाह का, करम अल्लाह का। अच्छा बताएं, मुल्क से बाहर, पाकिस्तान से बाहर कोई जगह देखना चाहती हैं, कोई शहर है? इराक। इराक देखना चाहती हैं? जी। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग एंड डिफरेंट। ठीक है, तो आई विश के इराक के भी हालात अच्छे हों, बेहतर हों, तो फिर आप वहाँ पे जाएं, हम सब लोग वहाँ पे जाएं। हमारे मुल्क के बहुत से लोग मुलाजमत के लिए और माश की वजह से अपना रिस्क तलाश करने के लिए उन मुल्कों में काफ़ी टाइम तक काम करते रहे हैं, अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहे हैं, ना सिर्फ इराक में, सऊदी अरब में, दुबई में, वहाँ पे तामीराती काम, वहाँ पे टेक्निकल कामों में वो शामिल रहे हैं, बढ़ चढ़ के उन्होंने वहाँ पे काम किया है। सो आई विश के इराक के हालात बेहतर होते हैं और हम लोग आपकी तरह वहाँ पे घूमने फिरने जाएं और वहाँ पे देखें कि क्या है। अच्छा, और इसके अलावा यूरोप में कोई मुल्क देखना चाहती हैं? नहीं। ठीक है, क्यों? यूरोप में क्या वजह है कि वहाँ पे अंग्रेजी है? इंग्लैंड, इंग्लैंड के अलावा तो वहाँ पे और बहुत सारी जुबानें हैं वैसे। नहीं, वैसे ही अपने पसंद की बात होती है। हाँ सही है, जिस तरह से मुझे ग्रैंड कैनियन पसंद है, अब अगर कोई आम बंदा देखेगा तो वो यही कहेगा भाई इस पथरीली किस्म की जमीन में, इस रंगदार किस्म की, रंगीन किस्म की जमीन में इस बंदे को क्या नजर आ गया। वही आपकी बात के पसंद की बात है, हैं? सही बात। शुमाइला मुझे अच्छी लगती है बहन, आप सलामत रहें, ख्याल रखिएगा, ठीक है? शुक्रिया भाई, अल्लाह हाफिज। ऑलराइट, अल्लाह हाफिज मेरी बहन शुमाइला, शामिल रही। बस 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 वाइंड अप करते हैं, 4471 के कुछ पैगाम हैं वो मैं चेक कर लेता हूँ। अदील मुमताज हैं हमारे साथ, ऑफ द माइक मौजूद रहे। अदील अच्छे लगते हैं, आप बातें ना करें इसी तरह से। अमानत बलोच इस्लामाबाद से, मैं पूरा पाकिस्तान देखना चाहता हूँ, ठीक है अच्छी बात है। पाकिस्तान से बाहर मैंने कुछ पूछा था आपसे। काजी एजाज हमारे साथ हैं और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बाहर आप 16 साल तक रह चुके हैं और कहते हैं पाकिस्तान बेस्ट है। यस दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। नादिया खान और ये कहती हैं कि रेनबो माउंटेन्स इन चाइना, एक और जगह इज इट, मैं इस वर्ड को प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, व्हाट इज दिस वर्ड, लेकिन एक वैली है ट्यूलिप फील्ड्स की, वहां पे ट्यूलिप के खेत हैं,
या बागात हैं, जो भी कहें, यूनाइटेड स्टेट्स में यू वांट टू विजिट दैट, ऑलराइट, दैट्स गुड, दैट्स गुड, अच्छी बात है. और मैं इस वर्ड की एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन देखूंगा कि हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड एक्चुअली. उमेर रावलपिंडी से पाकिस्तान, ठीक है, अच्छी बात. अब्दुल्ला वेस्टर्ज से सलाम, मुझे कहते हैं, तारीफ करते हैं. आप चाइना जाना चाहते हैं, ठीक है, अच्छी बात. सऊदी अरब भी देखना चाहते हैं. हसनैन मिर्जा हमारे साथ G11 से, सलाम HR ब्रो, आई होप कि आप ठीक होंगे. आप UK देखना चाहते हैं, तारीफ कर रहे हैं, स्वीट एंड लवली आपने लिखा है, बाय. ठीक है, मोहम्मद अरसलान इस्लामाबाद से, सर आपका शो नाइस है और पहली दफा आप टेक्स्ट कर रहे हैं. इंग्लैंड देखना चाहते हैं आप जिंदगी में, गुड इनफ. जैनब जैनी हमारे साथ हैं, जैनी कह रही हैं कि हेडफोन्स आप नए ले लें या मैं आपके लिए ले देती हूं. जिस तरह से आपने कहा कि आपने पेरिस से कोई चीज मंगवाई थी, मैं भूल रहा हूं आपने क्या मंगवाया था, हेडफोन मंगवाए थे शायद, तो पूछ लें अगर रेट ₹1,000 से कम है तो मंगवा लें, अदरवाइज फिर रहने दें. मैंने पैसे जोड़ जोड़ के कमेटी डाली हुई है, तो जैसे मेरी कमेटी निकलती है तो फिर मैं सीन ऑन कर लूंगा. नाउ वी हैव योर फेसबुक कॉमेंट्स एज वेल, facebook.com/ITPFM. Mexican skies, drink some margaritas by swimming blue lights, listen to the mariachi play at midnight. इज़रत उबाब है, आपने एक ट्रैक का नाम लिखा है कि आप उस ट्रैक को देखना चाहती हैं. अगेन आई एम अनेबल टू प्रोनाउंस दिस वर्ड इवन, क्योंकि बहुत सारी जगह आई ट्राई बी सो कॉशियस इन टर्म्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि कुछ जगह हैं जो कि उस उनके नाम जो हैं वो वहाँ की रीजनल लैंग्वेजेस से निकलते हैं, मतलब वहाँ से उनका ओरिजिन वो है. सो दैट्स वाई देर आर टर्म्स, देर आर वर्ड्स जिनके बारे में आई हैव टू क्लियर माई सेल्फ फर्स्ट. एनीवे, सो आप देखना चाहती हैं, गुड इनफ, दैट्स सो गुड, दैट्स सो गुड. यही आज का प्रोग्राम था. आज बहुत मुश्किल से अपने गले को अपने साथ चला चला के मैं खुद भी थक गया, मेरा गला भी बहुत थक गया. आ आ शॉन मेंडेस अगेन स्टिचेस. आई गेस आई प्लेड दिस सॉन्ग इन द बिगिनिंग ऑफ माय शो, बट आई टोल्ड यू गोइंग फॉर माय चॉइसेस एंड सेलेक्टिंग समथिंग आउट ऑफ सो मेनी ऑप्शंस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू इन माय लाइफ. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it up. Anyway, let it go, let it go. Let's go for Sia, the greatest. Yeah. Okay, so I was telling you about Grand Canyon. You know why that place is so dear to me, why that place interests me so much. The reason is, it's so far away from here. The reason is, it's so dry. The reason is, कि वहाँ पे आप तुलुए आफ्ताब के वक्त जो मंजर देखेंगे, गुरुबे आफ्ताब के वक्त जो मंजर देखेंगे, शायद वो आपको कहीं भी और देखने को नहीं मिलेंगे.
बाकी आजकल दुनिया ग्लोबल विलेज कहलाती है, अगर हम फिजिकली कहीं पे पहुंच नहीं सकते सो वी हैव सो मेनी अदर ऑप्शंस एज वेल। हमारे पास इंटरनेट है, हम इंटरनेट के जरिए से बहुत सारी जगहों को विजिट कर सकते हैं, ठीक है। प्लस 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 देयर मस्ट बी डेस्टिनेशंस इन लाइफ, नॉट ओनली इन प्रोफेशन बट यू नो इन योर ड्रीम्स एज वेल, मे बी इन थिंग्स ऑफ योर इंटरेस्ट, राइट। हर तरह से आपकी जिंदगी में कुछ यू नो डेस्टिनेशंस होनी चाहिए जिनको आप जाके देखें, जिन तक आप पहुंच सकें, जिनको आप एक दफा एक्सपीरियंस कर सकें। तो अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाया है, पूरी कायनात को तख्लीक किया है, देखने लायक बहुत सारी जगह हैं। ये तमाम मंजर इशारा करते हैं, ये तमाम मंजर बयान करते हैं उस बड़ी जात को कि वही खालिक है, वही बनाने वाला है, उसने कितनी खूबसूरती डाली है इस दुनिया में, इस दुनिया के लोगों में। दुनिया में वैसे तो और बहुत सारी चीजें देखने के लायक हैं, लेकिन दीवारें चीन एक ऐसी जगह है, स्विस कैनाल एक ऐसी जगह है, दिस ग्रैंड कैनियन इज अ प्लेस। इसके अलावा से you know the Tower Bridge in London as well, then Eiffel Tower as well. Then there is Death Valley, Arizona. Yes, yes, yes. वो भी एक देखने लायक, घूमने लायक एक जगह है। इसके अलावा से ताजमहल भी हैं, इसके अलावा से रोम है एंड मेनी प्लेसेस ऑन दिस मदर अर्थ। लेकिन इंसान ने अपने फायदे के लिए, शायद अपनी मौजूदा खुशी के लिए, इस दुनिया को बहुत ज्यादा नुकसान भी दिया है। अब जो बड़े मुल्क हैं, बड़े मुल्क मैं उनको इस वजह से कहता हूं कि वो बहुत सारी चीजों में शायद हमसे ज्यादा गहरा सोचते हैं, बहुत सारी चीजों के मामले में हमसे शायद बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, ठीक है। आई विश कि उनकी तरह से हम लोग भी अपनी हिस्ट्री को प्रिजर्व कर सकें। आई विश कि जिस तरह से वो सफाई का ख्याल रखते हैं, हम भी अपने मुल्क में सफाई का ख्याल रख सकें, हैं? हम अपनी जगहों को, अपने शहरों को अट्रैक्टिव बनाएं दुनिया के लिए। अभी भी हैं अट्रैक्शन, बहुत सारी जगह हैं जिनमें अट्रैक्शन है और दुनिया के लोग यहाँ पे घूमने फिरने आते हैं, लेकिन हमने कोशिश करनी है कि हमने पाकिस्तान को इतना खूबसूरत बनाना है इनफरादी तौर पर, ठीक है। इनफरादी तौर पर हम हमेशा कसूरवार ठहराते हैं हुकूमत को, इदारों को। कभी कभी इस कैफियत से निकल आए कि सब कुछ हुकूमत ने करना है। बहुत कुछ हमने खुद भी करना है, मुल्क को खूबसूरत बनाएं अपने लिए, दुनिया के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, सबके लिए। तो प्रोग्राम में कहीं पे कोई कमी गलती कोताही हो गई हो तो उसके लिए मैं आपसे माजरत ख्वाह हूं। इंशाल्लाह जिंदगी रही सांसों ने वफा की तो मुलाकात होगी आप लोगों के साथ कल यानी के जुमेरात को इसी वक्त यानी के शब के 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। तब तक के लिए अपना बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। So, दाइमा बाद रहेगी दुनिया, हम न होंगे कोई हमसा होगा। खुदे पामान, लव यू ऑल एंड पमो पखैर।